Everybody, I am Bhavna from Arab Academy, class 10. Today we are going to discuss about our environment. Environment is a French word which means surroundings. Environment, it is the place, people which surround the living organism. It is actually the combination between natural and man-made resources. And the functional and structural unit of our environment is ecosystem. Ecosystem contains the natural and human-made resources of nature, like ecosystem. It is contains two types: biotic and abiotic components. Biotic components is living organisms which contain and which are three types: producers, consumers, and decomposers. Producers are those who जो हमारा जो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरों को हेल्प करते हैं उनका लाइफस्टाइल इंजॉय करने के लिए. कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं और अपना खाना खुद ना बनाकर उनको उनके खाने का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ जीते हैं. एंड डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इन्वायरमेंट में वापस डालते हैं ताकि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन वापस से ले. एक तरह से ये चीज़ों को वापस रिसाइकल करते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट है इकोसिस्टम सेफ रहे और वापस एक हेल्दी लाइफ को जिए. नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द अनदर टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे प्लांट्स, डियर एंड लायन. प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसको डियर खाता है जो कि हर्बीवोरस होता है. लायन जो कार्निवोरस होता है तो डियर पर डिपेंड होता है. अगर इसमें से प्लांट्स या डियर भी अगर ख़त्म हो जाए तो लायन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और लायन ख़त्म हो जाएंगे. नेक्स्ट इज फूड वेब. फूड वेब इज़ द इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन. बहुत सारी फूड चेन्स मिलकर एक फूड वेब बनाती हैं. जैसे प्लांट को खाते हैं माइस को हॉक खाते हैं, प्लांट्स को इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को हॉक. ऐसे बहुत सारी फूड चेन्स मिलकर एक फूड वेब बनाती है. नेक्स्ट इज ओजोन लेयर. ओजोन लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर कवरिंग ऑफ अर्थ जो हमें इन सन के अल्ट्रावायलेट रेसेस से प्रोटेक्ट करती है ताकि अगर ओजोन लेयर हमारे ऊपर आएगी, अगर अर्थ की कवरिंग को तोड़ कर आ जाएंगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, लाइक स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, आँखों की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम्स को ख़राब कर सकती है. तो ओजोन लेयर हमें उससे प्रोटेक्ट करती है. अब ओजोन लेयर कैसे बनती है? ओजोन लेयर O3 जो कि जब ऑक्सीजन पे अल्ट्रावायलेट रेसेस पड़ती हैं तब वो अलग मॉलिक्यूल अब अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं. उसके बाद जब ऑक्सीजन वापस कुछ टाइम बाद वो कंबाइन होकर O3 बनाते हैं. ओके, आज ओजोन लेयर की डिप्लेशन हो रही है जिससे इंसानों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक जो भी बीमारियां स्किन कैंसर्स वगैरह हो रहे हैं. ओजोन लेयर को डिप्लेशन का एक कारण है CFC, क्लोरीन
क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो हमारी ही ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की वजह से कंटेन बढ़ रही है ये इन्वायरमेंट में, जो रेफ्रिजरेटर्स और एसी से निकलती हैं।